आंटी टैब, अब अपनी 1 करोड़ की गाड़ी ने ना उड़ा के ले जा, क्योंकि तारा रास्ता तो हो गया सेवन। रे आंटी टैब, तू तो सर ते पैर तक मिट्टी में लिपट ली। ठीक से रे मिट्टी तो माँ होवे माँ, इसलिए मैंने सोचा कि तन्ने माँ के गले लगाने का मजा दिला दूं। पुत्री लग रही से दबे लाजवंती, लाजवंती दैया नाम से मारा तो 12-3-5 किया ना, तो तारी ये गाड़ी और साड़ी दोनों के साथ साथ तारी कुंडली के ग्रह भी बिगाड़ दूंगी। अब तो और भी बाकी से लेजर के तेवर, समझ गई के? तारी जिंदगी में ना अब लाजवंती आ गई से। अरे आजकल की स्टडीज का कुछ समझ ही नहीं आता, कितनी जल्दी बदल जाती। पहले मैसेजेस आते थे जो कहते थे कि सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना चाहिए, कहते थे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन आजकल जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तुम्हें ये लगता है बेटा? सुयश बाबा पराठा खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। सुयश बाबा पराठे गरम है, खा लीजिए। क्या प्रॉब्लम है महाराज? नहीं है भूख मुझे। महाराज जी आप सुयश की बात का बुरा मत मानिए, आप तो जानते हैं कि फाल्गुनी के जाने के बाद वो। आप मेरी फिक्र ना करें, फिक्र तो मुझे सुयश बाबा और बड़ी बहू की हो रही है। बड़ी बहू के जाने के बाद मानो इस घर की सारी खुशियां ही उनके साथ चली गई हो साहब। तेजा भाई साहब ने कहा था कि तुम आओगी और मुझे पूरी मदद करनी है, लेकिन तुमने वहां जो किया वो देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुमने आते ही चमत्कार दिखा दिया। ऐसी कोई बात नहीं पूजा जी, नियति ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उत्तरा देवी किस रास्ते से और किस टाइम पे वहां आएंगी। उनसे टक्कर लेने का काम शुरू करने से पहले मैं उनके सामने आना चाहती थी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि लेजर और फाल्गुनी दोनों अलग अलग इंसान हैं। पर तेजा भाई साहब ने कहा कि तुम्हारी सास उत्तरा देवी बड़ी टेढ़ी खीर है, तुम्हें डर नहीं लगता उनसे टक्कर लेकर उत्तरा देवी तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगी? नहीं पूजा जी, अब किसी से नहीं डरना है। फाल्गुनी से लेजर बनने की सबसे बड़ी वजह ही है। यो जो फाल्गुनी से ना वो उत्तरा देवी की चलदार करने से पहले 100 बार सोचे से, और जो लेजर से ना वो किसी के बाप से को नहीं डरती, वो तो पहले वार करे से फिर व्यवहार। कहीं ऐसा तो नहीं उत्तरा देवी को शक हो गया हो तुम ही फाल्गुनी हो? मैं उस गवार लड़की को छोड़ूंगी नहीं, उस पर मिट्टी डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। पर मैडम जी आपको ऐसा ना लगा कि वो फाल्गुनी है? मतलब उसकी शक्ल एकदम फाल्गुनी से मिल रही थी। हाँ दिख रही थी तो
बार बार फाल्गुनी का नाम लेके मेरा दिमाग गरम मत करो शोम। मैडम जी अब देखिए अब उसकी शक्ल फाल्गुनी से मिल रही है इसलिए तो मैंने फाल्गुनी का नाम लिया, अगर ना मिलती होती तो ना नाम लेता। मुझे मत समझाओ जीजी माँ। हेलो मॉम। मुझे बस मेरी किताबें दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। मॉम आप एक बार बात करो ना नियति से, हम सामान लेने आए थे राधा जी की पोल और वो वहाँ भाभी से लड़ने बैठ गई, इतने लोग इकट्ठा हो गए, इतना एम्बैरसिंग हो गया ना। नियति वहाँ फाल्गुनी के घर है। हाँ मॉम। फाल्गुनी से झगड़ा कर रही है वो। हाँ मॉम। इसका मतलब फाल्गुनी घर पे है। मॉम आप कैसी बातें कर रही है, भाभी आऊंगी तभी तो नियति लड़ेगी ना उनसे। आप सुनो एक बार, ये लोग कैसे लड़ रही हैं? इतनी नफरत करने लगी है तुम मुझसे कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं? इतना बदल गया है तेरा दिल? यही है तेरा प्यार? अरे कैसा प्यार, बेवकूफ थी जो आपको जीजी माँ बुलाती हूँ मैं। बेवकूफ तो मैं भी थी बिट्टू, जो ये सोच रही थी कि कम से कम तू अपनी बहन पे यकीन करेगी, पर अगर तेरी आंखों पर भी तेरी सास ने पट्टी चढ़ा दी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू सिर्फ और सिर्फ अपनी सास की होके रह गई है। विधान की तरह तू भी उन्हें देवी मानने लगी है। सुना मॉम कैसे लड़ रही हैं ये दोनों? विधान बेटा तुम दोनों वहां से निकल जाओ, रावत खानदान के बेटे और बहू को ऐसी जगह पे जाना शोभा नहीं देता। तुम्हें पता है ना उस राधा जी के पोल में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नियति से कहो नौकर भिजवाए और अपना सामान मंगवा ले या फिर नया सामान मंगवा ले। ओके मॉम। फाल्गुनी राधा जी की पोल में है, शो नियति के साथ झगड़ा कर रही है। नहीं झगड़ा नहीं कर रही, नियति के सामने अपना दुखड़ा रो रही है। मैडम जी मतलब ये कोई और है। मैडम जी लेकिन ये अजीब बात ना है कि आपकी जो नई दुश्मन है उसकी शक्ल भी आपके पुरानी दुश्मन फाल्गुनी से मिलती है। शोम मैडम जी वो आपके कान के नीचे मिट्टी लगी है। ठीक है तो फिर आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ले जा अपनी सारी चीजें यहाँ से। किताबें कोई फेंकता है क्या? नियति नियति चलो, वैसे भी यहाँ किसको रुकना है। एक मिनट मुझे भाभी को कुछ कहना है। नहीं विधान तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी और जीजी माँ का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलो चलो खत्म हो गया ड्रामा, चले जाओ अपने अपने घर। चलो उस शंभू नाम के आदमी को ढूंढने तक आप मुझे अपने घर पे रहने दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान है पूजा जी। एहसान की बात ना करे बहन, तेरा भाई साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने क्या कम एहसान किया है उन पर? तेरा भाई साहब ने कहा कि आप एक कारीगर हैं और एक कारीगर दूसरे कारीगर की मदद नहीं करेगा क्या? सुनो बहन तुमने जो दुख सहे पिछले हफ्ते उसका तो मैं मरहम नहीं बन सकता, लेकिन उत्तरा देवी से बदला लेने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पर आप किसी से मत कहिएगा कि मैं ही फाल्गुनी रावत। क्या बात कर रही हो बहन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने तो तीजा भाई साहब के परिवार वालों को भी नहीं बताया कि आप कौन हो। चौपाल आ गई है, अब लेजर बन जाओ। ये हरिया बिरजू माधव सब के सब इधर आओ, आ जाओ इनसे मिलो। लाजवंती दहिया हमारे स्वर्गवासी कारीगर मित्र जसवंत दहिया की बेटी है, आज ये हरियाणा से आई है। इन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण में नौकरी मिली है और इनका कोई परिवार वाला नहीं है, बार बार जयपुर आना जाना होगा, तो तेजा भाई ने सोचा है कि इन्हें अपने पास ही रख लो। तेजा जी ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आपका स्वागत है लाजवंती। मारा इतना लंबा नाम ना लियो, मैंने सब प्यार से लेजर बोले। लेजर? रोशनी वाला लेजर? सही बात, सही कह रहे सो, क्योंकि मारी चमक के आगे सब फीके से। एक मिनट, क्या तरीका है ये? क्या सोचा आपने अंबुआ गांव की चौपाल में आओगे और हम आपका स्वागत करेंगे? आपका सारा कच्चा चिट्ठा खुला पड़ा है यहाँ।
लेजर, ये तेजा जी का बेटा है नरेन, एक नंबर का शैतान है। बात बात पर मजाक करने की आदत है इसे। भूल चूक लेने देनी सॉरी, माफ। घना अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे क्या? सारे सॉरी बोल लेते तने माफ कर दूंगी। मैंने शैतान लोग बिल्कुल पसंद ना से। तने तो ना मैं बर्गर के पैर पे उल्टा टांग दूंगी, समझ गए क्या? इससे बचकर रहना नरेन, अरसे बाद शेर को सवा शेर मिला है। चलो लेजर, तुम्हें तेजा भाई साहब के परिवार वालों से मिलाता हूँ, उनकी बहू बेटियों से। नरेन, सुमन और रेखा घर पर ही है ना? काका वो थोड़ी देर पहले नदी में पानी भरने गई थी। आप दोनों अंदर बैठिए, मैं उनको देख के आता हूँ। आई दो टके की लड़की, सोम क्या नाम बताया उसका? कौन सी लड़की मैडम जी? सोम मैडम जी, सुख शांति, बड़ी क्रांति, लाजवंती, अपने आप में जर भी ला। तो आदत पड़ गई है सोम जी। मैडम जी, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। जरूर आसपास के गांव की होगी, पता लगाओ वो कौन थी लड़की। उसने मुझ पर फेंट डाली है ना, अब उस पर अंगारे बरसाऊंगी मैं। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। पता नहीं क्यों मन ने यह बात बड़ी सुनी सुनी देखी देखी सी लगी। क्या बात कर रहे सोम भैया? अरे भाई मैडम जी, मन ने इस लड़की के बारे में पता लगा। तने पता है ना, कुछ महीने पहले फाल्गुनी ने मैडम जी की गड़ी बेइज्जती की थी, तब मैडम जी ने मारे से कहा था उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाओ। क्या बात कर रहे सोम भैया? अरे मैंने दिन रात मेहनत की, ऊपर नीचे आगे पीछे सब दौड़ा, सब कुछ पता कर लिया। इस उम्र में तुम्हारी पगार बढ़ेगी और ठेंगा कुछ ना हो। इस बार तो पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ पता नहीं, पर मैडम जी तक मैं कह दूंगा कि मैडम जी कुछ पता ना चले उस छोरी के बारे में। अगर ये झूठ मैडम जी को पता चलेगा तो आपका क्या हाल करेंगे? बावरी, अगर मैडम जी से मैं ये कह दूं कि वो छोरी तुम्हारी बहन है तो तेरा क्या होगा? सुन भैया, आप तो बुरा मान गए। माफ करो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करो। मैडम जी, मैंने बहुत पता लगाया उस छोरी के बारे में, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन कुछ पता ना चले। सॉरी। ये क्या लगा रखी है चेहरे पे? वो चेहरे पे फुंसी हो गई थी तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली। लेजर बहन, ये रेखा है तेजा भाई से की बेटी और मारी भतीजी। एक फुंसी पे पूरा घर उठाकर रखा है। इस चक्कर में तू नदी नहीं गई होगी अपनी भाभी के साथ, बेचारी अकेले ही पानी भर रही होगी। जा चेहरा धो ले। बहन आई बैठी। तेजा भाई साहब कहते हैं कि इस लड़की को मैंने बिगाड़ा है। मैंने तो कभी शादी नहीं की, पर रेखा तो मेरे लिए मेरी बिटिया जैसी है। जन्म लेते ही मां गुजर गई, तभी मैंने तेजा भाई से कहा इस लड़की को ज्यादा ना डांटे। मुझे लगता है कि बिन माँ की बेटी को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। माँ तो मारी भी काफी बचपन में गुजर गई थी के बेरा। थारी माँ और मारी माँ ऊपर स्वर्ग में दोस्त बन गई हो, यो बनी रहेगी। एक माँ को बोलेंगे तो दो दो दुआएं वापस आवेंगी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। रे मैं तो बातें भी अच्छी करूं सू और ढेर सारी करूं सू। अरे बातें ही करते रहोगी, अभी हमारे साथ ही रहने वाली हैं। जाओ जाकर भाभी की मदद करो।
जी। पूंजा जी, शंभू के बारे में पता कैसे चलेगा? हमारी बिरादरियों से तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। हम कारीगर तो 20 साल पहले यहाँ आए हैं। हमारे गांव में एक सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, और इस चीज को 20 साल हो गए हैं। और शंभू तो 25 साल पहले था ना यहाँ पर, तो कैसे पता लगा पाएंगे? उसने अपना घर बनवाया था यहाँ, वो इस गाँव को छोड़ के नहीं गया होगा। कोई तो और इंसान होगा ना जो इतने सालों से यहीं रहता होगा। एक वैद्य काका है जिनकी उम्र लगभग 75 साल की है, मैंने बुलाया है उनको। बस जल्द से जल्द शंभू का पता चल जाए जिससे मैं गायत्री जी को इंसाफ दिला सकूं। सर आप डिसाइड कर दीजिए, हमें दोनों में से किस प्रोजेक्ट में ट्राई करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम सिडनी वाले प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करते हैं तो हम कनाडा वाले के लिए ट्राई नहीं कर पाएंगे सर, इसलिए हमें दोनों में से किसी एक के लिए ही ट्राई करना होगा। तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो कर लो। ओके सर, थैंक यू। डैड आज आप ऑफिस में। मैं अपने बड़े बेटे से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि घर पे तो उसे टाइम नहीं मिलता, ऑफिस का बहाना बना देता है। हम ऑफिस में क्या बहाना बनाएगा? डैड मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सुयश, लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है सुयश। क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा मन आजकल कहीं पे भी नहीं लग रहा, ना घर पे नया ऑफिस में जिसे तुम इतना प्यार करते हो। डैड मुझे फैक्ट्री के काम से बाहर जाना है। नहीं बेटा, अब तुम वापस बहाने मत बनो। देखो मैं समझता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी, लेकिन बेटा फाल्गुनी को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी माना है। मैं भी नहीं समझ पा रहा कि उसने ये सब क्यों किया, कैसे किया। लेकिन बेटा जो हो चुका है उसे फूल के आगे बढ़ जाने में ही समझदारी है। छोट को जितना खुरेदोगे उतना दर्द ही मिलेगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कोई है घर पे? अरे वेद काका आई बैठी बैठी बैठी। कैसे हैं बेटी? वेद काका ये हमारे स्वर्गवासी मित्र जसवंत की बिटिया। जर बोले सुमन ने। इनका कहना है कि जसवंत ने 25 साल पहले किसी आदमी को पैसा दिया था और उन्होंने अभी तक लौटाया नहीं। आप किसी शंभू नाम के आदमी को जानते हैं? शंभू लंगड़ा था, लंगड़ा। अरे हाँ शंभू याद तो है, वो बरगद के पेड़ के परली तरफ तो रहता है। रेखा, अरे लो ये आ गया शंभू। आ गया तू, कब से ये लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं। बेटा नरेन, वैद्य काका को सही सलामत घर पहुंचा दो, बेवजह मेरी वजह से तकलीफ हो गई। जाइए वैद्य काका। वो तो ठीक है काका, लेकिन आपने वैद्य काका को क्यों बुलाया? मेरे पेट में मरोड़ था, वैद्य जी को देखा ठीक हो गया। जाइए। अच्छा काका। लगता है वैद्य काका की याददाश्त चली गई है। बरगद के परली तरफ तो सरपंच जी का बंगला है, और सरपंच जी तो अमीर आदमी है, और दोनों पैर सही सलामत हैं। शंभू को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, मुझे और कुछ करना होगा।